Welcome to our channel. So this is the next video in the South Kerala vlog series. और इस वीडियो में हम बात करेंगे the Travancore Heritage Resort के बारे में. So Kerala जाने से पहले मैंने काफ़ी research करके अपने budget के हिसाब से और मेरी जैसी ज़रूरत थी उस हिसाब से मैंने ये resort final किया था दो दिन के stay के लिए. इस व्लॉग में मैं आपको अपने स्टे का एक्सपीरियंस और उसके अलावा यहाँ पे जो अलग अलग कैटेगरीज के रूम हैं उनका रूम टूर और एंड में अपना जो बजट का ब्रेकअप है वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँगी. सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड. हम थिरुवनंतपुरम में मधुस वेज प्लाजा से यम्मी सादिया खा के 1 बजे तक द ट्रावनकोर हेरिटेज के लिए निकल गए थे. इस सादिया के बारे में हम अपने अपकमिंग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे. उस दिन मौसम काफ़ी गर्म था और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी. पेट्रोल भराकर रिजॉर्ट तक आते आते हमें 2 बज गए. रिजॉर्ट का एंट्रेंस काफ़ी खूबसूरत है तो चलिए चलते हैं रिजॉर्ट की मेन बिल्डिंग के अंदर. वैला ने हमारी कार ऑलरेडी पार्क कर दी है और अंदर आते ही ट्रेडिशनल तरीके से हमारा स्वागत हुआ. रिसेप्शन एरिया में आते ही लगता है कि आप समय में पीछे आ गए हैं. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना ये ओल्ड केरला वाइब्स देता है. यहाँ पे चेक इन काफ़ी स्मूथली हो गया था और हम फिर निकल पड़े अपने रूम की तरफ एक स्टाफ मेंबर के साथ. अब बात कर लेते हैं अपने रूम की. यहाँ रूम्स की 6 कैटेगरीज हैं व्यू के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से. हमने पार्शियल व्यू सी ग्रोव रूम बुक किया था. अच्छा फेयर वार्निंग, यहाँ ना काफ़ी चलना पड़ता है क्योंकि रिजॉर्ट काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है. लेकिन आप चाहें तो रिसेप्शन से बगी लेके भी जा सकते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने पैदल चलना ऑप्ट किया था और ये जो स्टाफ मेंबर है ये हमको सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे थे. प्रमाइसिस बहुत सुंदर है, ग्रीनरी है, बीच बीच में कोकोनट ट्रीज हैं, बाकी काफ़ी श्रब्स लगा के रखे हैं और आप देख सकते हैं कि जो कॉटेजेस हैं काफ़ी स्पेस दे के बनाए गए हैं जिससे कि हर टूरिस्ट को अपनी प्राइवेसी मिले. ये काफ़ी सुंदर सा रास्ता है लिफ्ट के लिए और ये लिफ्ट हमें क्लिफ से नीचे लेके जाएगी ग्रोव बिल्डिंग में. ये है पार्शियल व्यू बीच ग्रोव रूम. रूम में एंटर करते ही सबसे पहले अलमीरा है. इसमें कुछ हैंगर्स हैं, लॉन्ड्री बैग्स हैं और सेफ है. इसके बगल में आपको लगेज रखने के लिए एक स्पेस दिया है और उसके बाद एक ड्रेसिंग टेबल है. कुल मिला के सामान रखने के लिए काफ़ी स्पेस है यहाँ पे. अगर वॉशरूम को देखें तो वॉशरूम बेसिक और सिंपल है, वॉक इन शावर है और सारे बेसिक टॉयलेटरीज और टॉवल्स दिए गए हैं. अब वापस आ जाते हैं रूम की तरफ. रूम काफ़ी स्पेशियस है ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे एक कंफर्टेबल बेड है, उसके साथ साइड टेबल है. इसके साइड में 2 चेयर्स और एक कॉफ़ी टेबल भी दिया गया है. अब वो देखते हैं बेड के सामने, यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैबिनेट और टीवी है. इसके साइड में एक वर्क डेस्क और चेयर भी दिया गया है और सबसे अच्छा फीचर है इस रूम की बालकनी. यहाँ से आपको ग्रोव बिल्डिंग देख का गार्डन, पूल और सी का व्यू दिखता है. यहाँ भी 2 चेयर्स और एक छोटा सा स्टूल दिया गया है ताकि आप बैठकर व्यूज को एंजॉय कर सकें. थोड़ा रेस्ट करके और फिर एक शार लेके हम निकल गए कोवलम बीच और फेमस लाइट हाउस को देखने के लिए और वहाँ से वापस आते आते हमको रात के 8 बज गए. अच्छा ये जो कोवलम बीच है और लाइट हाउस है इसकी डिटेल्स मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में दूंगी. इस व्लॉग में हम सिर्फ रिजॉर्ट पर फोकस कर रहे हैं. कोवलम बीच से वापस आकर हम काफ़ी थक गए थे तो हमने ये डिसाइड किया कि हम रूम में ही अपना डिनर बुलवा लेंगे. डिनर में हमने एक सूप बुलवाया था, एक लोकल चिकन डिश बुलवाई थी और चपाती बुलवाई थी. हालांकि अगर टेस्ट वाइज बात करें तो खाना बहुत अच्छा था लेकिन अगर मैं पोर्शन साइज़ की बात करूँ तो पोर्शन जो था वो काफ़ी कम था. तो अगर आप रूम सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ ये अपनी बात अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको क्वान्टिटी अकॉर्डिंगली बुलवानी पड़ेगी. बाकी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अच्छा एक और बात क्या हुई कि इनिशियली हमने तो बीच ग्रोव वाले रूम्स बुक करवाए थे लेकिन जब हम रिजॉर्ट में आए और हमने हेरिटेज कॉटेज देखे तो हमें देख के वो काफ़ी अपीलिंग लगे. तो हमने रिसेप्शन में रिक्वेस्ट किया कि हमारा 2 दिन का स्टे है, 1 दिन तो हम ऑलरेडी बीच ग्रोव रूम में स्टे कर रहे हैं तो क्या नेक्स्ट डे हम हेरिटेज कॉटेज में जा सकते हैं क्या. तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल हम आपको शिफ्ट कर देंगे, कोई इशू नहीं है. बाय 12 नून यू हैव टू पैक योर बैग्स एंड देन विल शिफ्ट यू टू द हेरिटेज कॉटेज. तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई क्योंकि हमें एक स्टे में ही 2 तरह के रूम्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल गया.
रात में काफ़ी शांति थी, रूम और बेड काफ़ी कंफर्टेबल थे, तो हमारी नींद बहुत अच्छे से हो गई। और सुबह 8 बजे उठ के 8:30 तक हम ब्रेकफास्ट के लिए रेस्टोरेंट पहुंच गए। ब्रेकफास्ट वॉज एन एलैबोरेट अफेयर, बहुत सारे ऑप्शंस थे चूज करने के लिए। बेकरी का सेक्शन था, उसके अलावा लोकल डिशेस भी थे। मेरे लिए सबसे स्पेशल था लाइव काउंटर, जहाँ पे एग्स और डोसा आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बनवा सकते थे। हमने काफी आराम से पूल व्यू एंजॉय करते हुए ब्रेकफास्ट किया, और फिर हमने प्लान किया हुआ था पहले से ही कि हमको आज आयुर्वेदिक मसाज करवाना है। इसकी बुकिंग हमने मेल के थ्रू पहले ही कर ली थी, ताकि जैसा हमने सोचा है हमारी सारी आइटिनरी वैसे फॉलो हो जाए। तो 9:45 तक हम निकल गए स्पा की तरफ। स्पा जो है ना, वो मेन बिल्डिंग के काफ़ी पास में है, तो यहाँ पे मैंने अभी तक का सबसे बड़ा स्पा देखा, और इसका नाम है आनंदम स्पा सेंटर। स्पा के चारों तरफ काफ़ी ग्रीनरी है और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी लगाए गए हैं। एक दिन पहले हम काफ़ी ज़्यादा पैदल चले थे, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गया था, तो आई वॉज होपिंग कि मसाज से मुझे आराम मिलेगा। स्पा का रिसेप्शन एरिया काफ़ी अपीलिंग था, डिस्प्ले में बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटी रखी हुई थी। अच्छा, यहाँ स्पा में ना आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी थे, तो मैंने वहाँ के स्टाफ से पूछा इस बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली इस रिजॉर्ट में टूरिस्ट तो आते ही हैं, इसके अलावा वो लोग भी आते हैं जिनको किसी तरह का कोई एलिमेंट होता है, तो उनके लिए पैकेजेस होते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं स्पा में, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरे पैर में काफ़ी दर्द था, तो वो बहुत रिलीव हो गया ये स्पा सेशन के बाद। और इवन मेरा जो मेंटल स्ट्रेस था ना, कि मैं कैसे आइटनरी पूरा प्रॉपरली कवर करूँ, ये सब स्ट्रेस भी मेरा काफ़ी हद तक कम हो गया था, मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। अच्छा, आज ना ये स्पा करवाने के बाद हमारा नेक्स्ट काम था पूवर जाने का, तो पूवर जाने से पहले हमने सोचा कि वापस रूम जाते हैं, अपने बैग्स को पैक कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपना रूम शिफ्ट करके एक रूम टूर कर लेते हैं, और फिर हम निकल जाएंगे पूवर के लिए। तो अभी मैं आपको अपना हेरिटेज कॉटेज का जो रूम टूर है वो वीडियो दिखाने वाली हूँ। ये पहला वीडियो है जहाँ पे मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग की, एज एन रिकॉर्डिंग भी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी तभी की है, तो शॉर्ट कमिंग्स हैं डेफिनेटली, तो मैं उसके लिए एडवांस में अपोलोजाइज करती हूँ, एंड आई होप कि आपको रूम टूर अच्छा लगेगा। ये सामने जो दिख रहा है ये हमारा हेरिटेज रूम है, इनके जो चार्जेस हैं वो सेम है, इनफैक्ट पार्शल ग्रोव बीच इससे काफ़ी बड़ा है, बट यहाँ का एस्थेटिक बहुत प्लीजिंग है, ट्रेडिशनल केरलन स्टाइल है। ये यहाँ का सेट आउट एरिया है, यहाँ पे दो चेयर्स और एक टेबल दिया हुआ है बैठने के लिए, और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का है। अब रूम देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक स्टडी टेबल टाइप का सेटअप दिया हुआ है, जिसमें कि आपको स्नैक्स जो हैं वो चार्जेबल हैं, इसके अलावा जो टी कॉफ़ी के सैशे दिए हुए हैं ये नॉन चार्जेबल हैं, वाटर बॉटल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और यहाँ पे टिल्क स्लैश मिल्क कैटल भी प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद ये मिरर जो है काफ़ी बड़ा है, और इसका स्टाइल बहुत ही सुंदर है। अब बाकी का रूम देख लेते हैं। यहाँ पे एक टीवी प्रोवाइड की गई है, सामान को रखने के लिए एक टेबल प्रोवाइड किया गया है। ये है बेड, और बेड के साइड में एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस है, जिसमें इन्होंने फ्रिज रखा हुआ है छोटा वाला। काफ़ी सुंदर रूम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कर्टन्स कुछ इस तरह के हैं, ट्रेडिशनल स्टाइल के, काफ़ी सुंदर है। ये यहाँ का वार्डरोब है जो मैंने खुला छोड़ दिया था वीडियो के लिए। यहाँ पे एक अम्ब्रेला है, कुछ हैंगर्स हैं, लॉन्ड्री बैग्स हैं, और कुछ टॉयलेट्रीज हैं, सेफ भी है यहाँ पे। इसके बाद वॉशरूम देख लेते हैं, वॉशरूम काफ़ी खूबसूरत है। वॉशरूम का जो एरिया है वो वहाँ पे ऐसा ओपन स्काई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिया गया है। अगेन यहाँ का मिरर है, ये काफ़ी अच्छा है। सारे टॉयलेट्रीज जितने एसेंशियल होते हैं प्रोवाइड किए गए हैं, क्लीन है। यहाँ पे एक ग्रीनरी के लिए छोटा सा प्लांट दिया गया है, और ऊपर ओपन स्पेस है। यहाँ पे एक आपको पर्दा करके और शार के लिए स्पेस प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी प्लीजिंग है।
हमारा पूवर का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। उस एक्सपीरियंस के बारे में अगेन मैं आपको अपकमिंग ब्लॉग में बताऊंगी। पूवर से वापस हम करीब 5:30 बजे आ गए थे, बिकॉज हम इस बार इस रिजॉर्ट की जो बीच है उससे सनसेट देखना चाहते थे, लेकिन नहीं, हमको थोड़ा भारी पड़ गया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि जब आप ये रिजॉर्ट जो है ना, एक तो पहली बात ये क्लिफ के ऊपर है, तो जब आप क्लिफ के ऊपर से देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जस्ट रिजॉर्ट की जो बाउंड्री है उसके बाहर ही से बीच लगा हुआ है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको बहुत ज़्यादा, पहली बात तो चलना पड़ता है। अब आपने तो ऑलरेडी देखा ही था पहले वीडियो में कि आपको रिसेप्शन से सीधे पहले ग्रोव वाली बिल्डिंग तक जाना पड़ता है, फिर आपको लिफ्ट लेनी पड़ती है, फिर आपको ग्रोव बिल्डिंग के नीचे उतरना पड़ता है। लिफ्ट से नीचे आने के बाद आप ग्रोव बिल्डिंग से बाहर निकलते हो और नीचे गार्डन में आते हो। यहाँ पे किड्स प्लेइंग एरिया है और दूसरा पूल भी है, और यहाँ से हमारा पहले वाला रूम भी दिख रहा था। यहाँ पे पूल क्रॉस करके जब आप आगे जाते हो ना, तो रिजॉर्ट का बैक गेट आ जाता है। रिजॉर्ट के बैक गेट से निकलने के बाद आपको रियलाइज होता है कि बीच अभी करीब 200 से 300 मीटर आगे है, और उस रोड और बीच के बीच में एक मैदान जैसा है जिसमें बहुत सारी घास है एंड बहुत सारा कीचड़ है। तो यू कैन नॉट डायरेक्टली क्रॉस एंड रीच द बीच। आपको क्या करना पड़ता है कि इधर साइड या तो लेफ्ट में या राइट में उस ग्राउंड के रास्ते बने हुए हैं जहां से आप बीच तक जा सकते हो। वो करने के लिए आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, मतलब मान के चलो कि यू हैव टू वॉक लाइक अप्रॉक्सीमेटली हाफ किलोमीटर और फिर आप बीच तक पहुंच सकते हो। तो टोटल आप मान के चलिए कि रिजॉर्ट का जो रिसेप्शन का एरिया था, वहां से यहां तक चलने में हमने एक एक से 1.25 किलोमीटर चलना पड़ा हमें बीच तक पहुंचने के लिए। फिर भी हम किसी तरीके से बीच तक तो पहुंच गए सनसेट के पहले। अच्छा, बीच पहुंच के क्या रियलाइज हुआ कि व्यू तो काफी अच्छे हैं, मतलब सनसेट बहुत ही प्रिटी दिख रहा था, आसमान काफी खुला हुआ था, तो बहुत अच्छे से सनसेट के फोटोज आ रहे थे। प्लस आपको अजीमाला शिव टेम्पल में जो बड़ी वाली शिव जी की मूर्ति है वो भी अपने राइट हैंड साइड पे दिख रही थी, मतलब काफी छोटी दिख रही थी बट इट वॉज नोटिसेबल। लोग भी काफी थे, मतलब लोकल लोग भी थे एंड देन आपके टूरिस्ट भी थे जो शायद इस रिजॉर्ट के भी थे और अलग रिजॉर्ट्स के भी थे। बट ऑन द नेगेटिव साइड जो मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे लगी, दैट इट वॉज हेविली लिटर्ड, मतलब बहुत ज्यादा कचरा था। खैर कोई बात नहीं, हमने खड़े होकर ही सनसेट देखा और बहुत सारे फोटोज क्लिक किए। बीच से वापस आकर मैंने पॉटरी बनाने की कोशिश की। ये कॉम्प्लीमेंट्री फैसिलिटी है जो रिजॉर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो सर मुझे पॉटरी बनाना सिखा रहे हैं ना, वो नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट हैं, और काफी पेशेंटली उन्होंने मुझे फ्लावर पॉट बनाना सिखाया। आज हमने डिनर रेस्टोरेंट में जाकर के किया, हमने बिरयानी ऑर्डर की थी, चिकन बिरयानी, एंड इट वाज डैम डिलीशियस। और सर्विंग स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने सर्व किया, खाना बहुत अच्छा था और एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, बिकॉज आई गेस टूरिस्ट बहुत कम हो गए थे उस टाइम पे, तो इट वॉज लाइक जस्ट टू ऑफ अस वर सिटिंग देयर एंजॉइंग द मील, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। आज था हमारा इस रिजॉर्ट में स्टे का लास्ट डे, थोड़ा दुख लग रहा था बट फिर भी काफ़ी अच्छे से नींद हो गई, सुबह उठ गए, अगेन वी वेंट फॉर ब्रेकफास्ट, बट आई गेस आज गेस्ट कम थे तो हमने अपने टेबल पे ही ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया। हमें जो भी ब्रेकफास्ट में खाना था वो उन्होंने टेबल पे ला करके सर्व कर दिया, सो इट वॉज अ डिसेंट अफेयर। भले ही बुफे नहीं था बट ऐसी कोई कमी महसूस नहीं हुई बुफे की। एंड उसके बाद ब्रेकफास्ट किया, पूल व्यू को एंजॉय किया, एंड देन वहाँ से हमने डिसाइड किया कि थोड़ी देर हम गार्डन में जाते हैं, व्यूज़ को देखते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं हैमॉक पे। तो हमने जितना टाइम पॉसिबल था नेचर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। उसके बाद अपने रूम्स पे चले गए एंड देन वी टुक अ शावर, पैक्ड अवर बैग्स एंड देन इट वॉज टाइम टू लीव। 12 नून तक हम अपना सामान पैक करके रूम से निकल गए थे। 2 दिन कम लगे हमें क्योंकि यहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज है कि हम उसको 2 दिन में प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए। चेकआउट प्रोसेस काफी स्मूथली हो गया और हम बहुत सारी अच्छी मेमोरीज को लेके यहाँ से गए। तो ये था हमारा ओवरऑल इस रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस। अब मैं आपको डिटेल्स इस रिजॉर्ट के बारे में बता देती हूँ जो हम अपने एक्सपीरियंस के टाइम कवर नहीं कर पाए, जैसे कि रूम टूर्स और फैसिलिटीज। सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो ये कोवलम और पूवर के बीच में पड़ता है और आपको गूगल मैप्स पे काफ़ी आसानी से मिल जाएगा एंड इट्स क्वाइट ईजी टू रीच ओवर हियर। अगर आप एयर ट्रेवल करके आ रहे हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 21 किलोमीटर्स दूर है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ से 20 किलोमीटर्स दूर है, ट्रेन स्टेशन अगेन 21 किलोमीटर्स दूर है और बस स्टैंड भी 21 किलोमीटर्स दूर है। तो वहाँ से यहाँ तक आने में आपको करीब आधा घंटा या 40 मिनट का टाइम लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक एंड द मीन्स बाय विच यू आर ट्रैवलिंग। तो हमने ली थी सेल्फ ड्राइव कार बाय ईवीएम व्हील्स, हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ, इसलिए जो लिंक है उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रही हूँ। दिस रिजॉर्ट इज लाविशली स्प्रेड ओवर 15 एकर्स ऑफ लैंड। यहाँ का आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल केरला स्टाइल से काफी इन्फ्लुएंस है
ओवरऑल लुक विंटेज है, आपको लगता है कि आप समय में पीछे चले गए हैं। एक स्टाफ मेंबर ने मुझे बताया कि ये जो कॉटेजेस और मेन बिल्डिंग है, इनके पार्ट्स ओरिजिनली 60 से 100 ईयर्स ओल्ड हैं और ओरिजिनल हाउस को से यहाँ ला करके उनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर, यहाँ पे रूम के 6 कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जिनमें से 2 कैटेगरीज को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया रूम टूर के थ्रू। तो यहाँ पे मैं आपको बाकी जो रूम्स हैं उनके बारे में भी डिटेल्स बता देती हूँ, एंड आई डिस्क्राइब ऑल द 6 कैटेगरीज एंड आई प्रोवाइड यू द एक्स्ट्रा 4 रूम टूर्स। द फर्स्ट कैटेगरी इज बीच ग्रोव रूम, वेयर वी स्टेड ऑन आवर फर्स्ट डे। ये बेसिक कैटेगरी रूम है और यहाँ से सी व्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट इन लाइन इज हेरिटेज कॉटेज, दिस इज वेयर वी स्टेड ऑन सेकेंड डे। ये भी बेसिक कैटेगरी कॉटेज है और यहाँ से आपको गार्डन देखने को मिलता है। बीच ग्रोव एंड हेरिटेज कॉटेज हैव सेम रेट्स। एरिया वाइज बीच ग्रोव रूम्स आर लार्जर, सो इफ यू नीड टू पुट एन एक्स्ट्रा बेड इन योर रूम, बीच ग्रोव रूम्स वुड बी अ वाइजर चॉइस। नेक्स्ट इज प्रीमियम मैंशन, सो दिस इज अ बेटर कैटेगरी रूम दैन बीच ग्रोव। ये पूरी बिल्डिंग है सेपरेट क्लिफ के ऊपर, जिसके हर रूम से आपको सी व्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज प्रीमियम हेरिटेज कॉटेज, सो ये प्रीमियम कॉटेजेस हैं जिनसे आपको सी व्यू देखने को मिलेगा। एरिया वाइज दीज कॉटेजेस आर मच लार्जर देन हेरिटेज कॉटेजेस। नेक्स्ट इज प्रीमियम स्वीट, सो दीज स्वीट्स आर द बेस्ट कैटेगरी इन ब्लॉक टाइप रूम्स, दे आर क्वाइट स्पेशियस जिनसे आपको सी व्यू देखने को मिलेगा। And the best of the best is pool mansion. So these are the most luxurious cottages over here. यहाँ से garden का view देखने को मिलता है and these are spread over pretty vast area. They have a separate drawing room, a bedroom and a private sit-out space along with a private pool. ओके, तो अप्रैल टू सितंबर यहाँ पे ऑफ सीजन चलता है और ऑफ सीजन के टाइम में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जो बेस रूम्स होते हैं ना उनका रेट एज लो एज 5 to 6,000 rupees तक चला जाता है, विच बिकम्स क्वाइट बजट फ्रेंडली। लेकिन अगर आप सीजन में आते हैं तो रूम के जो रेट्स हैं, स्पेशली बेस रूम के जो रेट्स हैं, दे कैन गो एज हाई अप टू 10,000 rupees। सो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली कि आप कब आना चाहते हैं, यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू दिस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर एक्सपेंसेस। हमने MMT यूज़ करके रूम्स बुक किए थे और हमने इस प्रोसेस के लिए गिफ्ट कूपन्स यूज़ किए थे, जिसकी वजह से हम डिस्काउंट अवेल नहीं कर पाए। एंड हमारा स्टे 2 नाइट्स का था विद कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट एंड इट कॉस्टेड अस 22,000 rupees। इसके अलावा हमने 2 बार डिनर किया जिसका राउंड ऑफ इज 2,500 rupees। आयुर्वेदा सेंटर का पेमेंट आपको वहीं ऑन द स्पॉट करना पड़ता है एंड द स्पा सेशन फॉर 60 मिनट वॉज 2,600 per person, सो टोटल इट वॉज 5,200 rupees। इन टोटलिटी हमारा यहाँ पे जो खर्चा हुआ इट वॉज 29,700 rupees। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रावणकोर हेरिटेज रिजॉर्ट। द स्टाफ वॉज गुड एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड ये चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। And I'll see you soon, guys, in the next upcoming vlog.